सिंस अल्लाह ने कहा ही नहीं कि सेलिब्रेट करो, तो इसलिए हम नहीं करते. हमें ये कहना चाहिए कि भैया वी डोंट सेलिब्रेट द क्रिसमस इवेंट बिकॉज वी डोंट सेलिब्रेट बर्थडेज ऑफ स्पेशली अंबिया, बिकॉज उससे फिर एक रिचुअल की बुनियाद पड़ेगी और आगे बच्चे कंफ्यूज होंगे. ठीक है. We are seeing a lot of people are wishing. I've seen most of the vloggers and journalists. What I've seen in 2 days, they are, whenever they are starting any kind of vlog, and they are saying since it's 25th December, so we are going to wish or mubarak baat dete hain aapko apni apni akliyati bradari ko, theek hai? Ke aur wo fir iska ehsaas lete hain ki this was the real Pakistan that ka jazam aim for ki yahan pe akliyaton ke huquq pahunche. I agree with that. I have no issue with that. But wishing a non-Muslim or a Christian a Christmas by a Muslim, is this a leak? Quran mein is cheez ko negate kiya hai ki jo jo hai Isai jo hai wo Isa ko Allah ka beta mante hain. To is cheez ko Allah Taala ne Quran mein question kiya aur sakhti se is cheez ko snub kiya. Surah Kahf ki jo ayat match ka zikr aapse kar raha tha ki tukhrij afwahim min afwahim. कौन सी है? I have to read it from. कबरत करीम बात है तो खुरुज मिन अफवाहिम, कि ये बहुत बड़ी बात है जो उनकी जुबानों से निकलती है. उससे पहले अल्लाह ताला ने दो आयतों में ये चीज बयान की है. सो इज दिस अ थिंग टू डू, या हमें अवॉइड करना चाहिए या फिर हमें हमारा इस पर क्या बिहेवियर होना चाहिए? वी शुड कीप क्वाइट, ऑल्दो वी शुड गिव देम द स्पेस, बट शुड वी विश देम? कुरान पाक ने क्रिसमस को, सालगिरह को, हजरत ईसा की सालगिरह को या उनकी किसी फेस्टिविटी को रिकग्नाइज नहीं किया. कुरान पाक ने उनके उस फलसफे को रिकग्नाइज किया है. नसारा का जो लफ्ज है ना, रिकग्निशन, क्रिश्चियन इज अ क्रिश्चियन, क्रिश्चियनिटी इज अ रिकग्नाइज रिलीजन, यहूदी रिकग्नाइज रिलीजन है इस्लाम में. सो इट्स लेट्स नॉट कंफ्यूज टू थिंग्स हियर. उनकी फिलोसफी के खिलाफ कुरान पाक ने आयात, अल्लाह ताला ने खुद इशारा फरमाया, जी हाँ बिल्कुल फरमाया, अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं, ये कहते हैं अल्लाह का बेटा है. अब रही बात उस एक जो क्लेम है उसको वो सेलिब्रेट नहीं करते कि आज डिक्लेयर हुआ है कि अल्लाह ताला ने अपना बेटा बना लिया है. बट दे आर सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ बिगॉटन सन ऑफ गॉड एज पर देयर आर्डर. या यार, एंड द सेलिब्रेशन ऑफ अ बर्थडे इज इररिलेवेंट वेदर वो बेटा मानते हैं नहीं मानते. अगर वह नबी भी मानते तो बर्थडे तो सेलिब्रेट करनी थी उन्होंने, हम नहीं करते. तो हमें जिस लेवल के ऊपर मिलादुन नबी का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, टेक्निकली उनका ये क्रिसमस का कॉन्सेप्ट है. सो व्हाट मुस्लिम्स कंफ्यूज टू थिंग्स हियर, कि अगर हमने मेरी क्रिसमस कह दिया तो हम उस चीज को रिकग्नाइज करें कि इनकी फिलोसफी जो है वह दुरुस्त है. मेरी क्रिसमस कहने से फिलोसफी ना गलत होती है ना दुरुस्त होती है. समझे? ईद मिलादुन नबी मनाना, ये बर्थडे मनाना, ये एज इज जो है ना रिकग्नाइज कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम. डिबेटेबल चीज नहीं, रिकग्नाइज ही नहीं है ना. अल्लाह ने तो नहीं कहीं कहा ना कि साल में जिस दिन कोई भी पैदा हुआ हो, स्पेशली जो अंबिया जो है. सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट मुस्लिम्स जनरली हैव डोंट हैव दैट आईक्यू. मानना पड़ेगा, we're dumbed down, we have been dumbed down, और इस वक्त हमें इन चीजों के अंदर फंसना एक इंडिकेटर होता है कि मसला कुछ है, उसको कुछ और तरीके से फंस गए उसके अंदर आके. सो किसी को मैरी क्रिसमस कह देने के मैं हक में नहीं हूं, बिकॉज मैरी क्रिसमस इज वी नॉट टू मैरी अबाउट इट. यू नो मुसलमान जो बर्थडे मनाते हैं नबी अलैहिस्सलाम की, उनको भी रिकग्नाइज नहीं किया गया इस्लाम में. तो यही होता तो सहाबा से साबित होता. तो जैसे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि जब 10वीं मुहर्रम का रोजा हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने यहूद से कहा था ना कि हम 9वीं 10वीं 11वीं तीनों का रोजा रखेंगे, क्योंकि मैं नौ के मूसा ने क्या टीच किया था. समझ लो, मान लो कि तुम्हें पता भी चल गया, मगर फिर भी आए ही बिलोंग्स टू मी मोर देन यू नो यू बिलोंग टू हिम. तो क्या हजरत ईसा के ऊपर हक नहीं है नबी अलैहिस्सलाम का? 100% एग्जैक्ट उतना ही हक है. तो टेक्निकली स्पीकिंग हजरत ईसा पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, ये असली सवाल है. हुए थे या हुए थे नॉट ऑन 25th December exactly. नहीं, समझ लें कि 25 को ही हुए थे. या
ठीक है, हम 12 रबी अवल को भी अल्लाह के नबी से पैदा नहीं हुई, ये पाकिस्तानियों को पता है कि पैदा हुई। अरब में कभी भी 12 रबी अवल 9 रबी अवल ही मानते हैं, 9 भी है 17 भी है 12 भी है, हमारा अरब 9 ही मानता है। क्वेश्चन इज 25 दिसंबर को समझ लें हजरत ईसा पैदा हुए थे, अब अल्लाह का बेटा नहीं पैदा हुआ था, हर ईसा पैदा हुए थे, तो मुसलमानों को तो क्रिसमस ज्यादा मनानी चाहिए, हमारा ज्यादा हक नहीं है। मिलाद उन नबी तो मनाते ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बेटा मान के तो नहीं मनाते ना, बर्थडे तो मनाते हैं ना हम, जब अपनी बारी आती है तो बर्थडे मना रहे, जब वो बर्थडे मनाते हैं तो कहते हैं यहाँ पे अल्लाह का बेटा मैंने बनाया, ठीक है बनाया हुआ है, बिल्कुल मानता हूँ बनाया हुआ है, मगर उसके बर्थडे तो नहीं, आप उस दिन को हदीसा के पैदा होने को तो नेगेट नहीं कर सकते ना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज वी शुड सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एज मच एज वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ एनी प्रॉफिट अलैहिस्सलाम। सिर्फ अल्लाह ने कहा ही नहीं कि सेलिब्रेट करो, तो इसलिए हम नहीं करते। हमें ये कहना चाहिए कि भैया वी डोंट सेलिब्रेट द क्रिसमस इवेंट बिकॉज वी डोंट सेलिब्रेट बर्थडेज ऑफ स्पेशली अंबिया, बिकॉज उससे फिर एक रिचुअल की बुनियाद पड़ेगी और आगे बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब ब्रेलवीज्म में क्रिसमस के ऊपर चिराग जलाना जरूरी होना था, होना चाहिए था, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मूसा पे मेरा ज्यादा हक है, समझे बात। सो इट्स अ बिग कंफ्यूजन, बिग बॉल ऑफ कंफ्यूजन, जबरदस्ती को घुसाई भी है कि, और सिर्फ सूरह काफ की आयत नहीं है, सूरह इखलास भी सुनाई जाती है, और भी अल्लाह ताला ने एक जगह थोड़ी नेगेट की, बनी इसराइल में भी नेगेट की आखिरी आयत में, बनी इसराइल डिड ईसा टेक बर्थ, यस कैन वी सेलिब्रेट इट, या यू कैन, इट्स नॉट एनीथिंग टू डू विद इस्लाम। सो इफ समवन इज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, ओके या अभी हमारे नबी पैदा हुए हैं 25 दिसंबर को, बिल्कुल पैदा हुए हैं, अगर वो कहते हैं 25, चलो हमें नहीं पता कि 21 या 12 है, चलो वो कहते हैं 25 चलो मान लेते हैं 25 को पैदा हुआ है, तो क्या करें, हमें भी खुशी हुई है ईसा आए दुनिया में, इंजील आई थी दुनिया में, आधी से ज्यादा दुनिया इस वक्त अल्लाह को मानने वाली है, अगर ना ये फीस हो सकते थे हमें इस बात की खुशी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला तारीफें भी तो करते हैं क्रिश्चियन की, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज क्या क्रिसमस मनाने से क्या अल्लाह ताला का बेटा साबित कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं, वो 25 दिसंबर की वजह से नहीं अल्लाह का बेटा साबित करते, वो अपोस्टल ऑफ जॉन की वजह से करते हैं, अपोस्टल ऑफ पॉल की वजह से करते हैं, अपोस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 3:16 की वजह से करते हैं, फॉर गॉड लव द वर्ल्ड सो मच दैट ही गेव द ओनली बिगॉटन सन, जॉन वर्स 16 है। 25 दिसंबर पे कभी भी लिखा हुआ कि सिंस इट वॉज 25th ऑफ दिसंबर यू नो क्राइस्ट केम टू द प्लैनेट, हेंस ही इज द सन ऑफ बिगॉटन सन ऑफ गॉड, व्हाई आर वी कंफ्यूजिंग टू थिंग्स हियर। ओके, और ये हर क्रिसमस पे शुरू हो रहते हैं और कुरान पाक सुना रहे होते हैं सारे के सारे मुस्लिम, वन लाइनर्स पे ये हुआ कि वी शुड और वी शुडंट सेलिब्रेट दिस, वी शुडंट सेलिब्रेट एनी बर्थडे फॉर एनी अदर रीजन, बट वी शुडंट हैव एनी काइंड ऑफ गिल्ट के हम मुस्लिम, या हम ईसा की जो ईद मिलाद उन नबी मनाता ना, और ईसा के पैदा होने पे खुश नहीं हो रहा, तो उसने तो खुद ही एक अल्लाह ताला की उस आयत का इंकार किया कि अंबिया के बीच में बाज को मानते हैं बाज को नहीं मानते, ला नुफर्रिक बैन मिन अहदिहिम सूरह बकरा की आखिरी आयत भी कि उनमें से तफरीक ना करें।